ओम शांति। अध्याय 16। देवी आसुरी संपदा में अंतर। इस अध्याय में परमात्मा ने देवी और आसुरी संपदा स्वभाव गुणों को वर्णन कर उनके लक्षणों को स्पष्ट किया है। प्रथम 3 श्लोकों में देवी संपदा का वर्णन है और आगे के श्लोकों में आसुरी स्वभाव के बारे में विस्तार से समझाया है। मनुष्य में साधारणता 2 तरह के स्वभाव होते हैं, देवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव। परमात्मा कहते हैं, सूर्य असुर नाम का कोई व्यक्ति नहीं होता है। मनुष्य के संस्कार ही उसके स्वभाव का निर्धारण करते हैं। जिनके संस्कार निम्न स्तर के हैं और जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वह राक्षसी आसुरी स्वभाव के हैं। ऐसे लोग अपने ही सुख में ध्यान देते हैं। इससे ऊपर की स्थिति वाले को मनुष्य कहते हैं। ये लोग दूसरे को दुख नहीं देते, सुख देते हैं, लेकिन स्वयं कष्ट नहीं उठाते। देवत्व प्राप्त होने पर ये दूसरों को सुख देते हैं, भले ही उनको कष्ट क्यों न उठाना पड़े। इस प्रकार के व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति कहता है, मेरा तो तेरा, तेरा भी मेरा। मनुष्य स्वभाव वाला व्यक्ति कहता है, मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। और देवी गुण स्वभाव वाला व्यक्ति कहता है, तेरा तो तेरा, मेरा भी तेरा। आगे के श्लोक में देवी गुणों को वर्णन बताते हुए परमात्मा हर एक गुणों को विशेष रूप में बताते हुए कहते हैं, निर्भय ज्ञान योग में तत्पर सात्विक ज्ञान करने वाला, जिसकी कर्मेंद्रिया वश में है, जिसके कर्म श्रेष्ठ है, जो सो अध्याय के लिए हमेशा तत्पर रहता है, जिसका अंतःकरण एकदम सरल है, जो सहनशील है, अहिंसक है, सत्यप्रिय, शांत, अभिमान से न्यारा, किसी की निंदा नहीं करेगा, दयालु, मर्यादा से अनासक्त, ओजस्वी, धैर्यवान, समान, क्षमाशील, निरंकारी, ये सभी देवी गुण कहे जाते हैं। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बंधन में बांधने के लिए गाई जाती है। परमात्मा कहते हैं, हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को प्राप्त कर रहा है। इस कलयुग में मनुष्य ज्यादातर आसुरी गुण ही धारण करते हैं, इसलिए इसे कलह का युग भी कहा जाता है। आसुरी गुण वाले व्यक्ति के पास चाहे जितना ही धन क्यों न हो, वह असंतुष्ट ही रहेगा, वह अहंकारी योगी होगा। परमात्मा कहते हैं, हे अर्जुन, ये 5 विकार नरक के द्वार है, अधोगति का कारण है। इस सृष्टि के इस समय के तमोप्रधान आसुरी गुणों का बहुत प्राबल्य है। सतोगुणी देवी संस्कार बढ़ाने के लिए ऐसे समय विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है। अपने संकल्प शुद्ध करने के लिए उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। आत्मविकास के निरंतर अभ्यास से आसुरी अवगुण समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। ओम शांति।